आज कई संगठन ने मिलकर इलाहाबाद में राबिया हत्याकांड पर प्रदर्शन किया है। अभी तक असली दोषी गिरफ्तार नहीं किए गए, जल्द ही सही दोषियों की गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो। पीड़ित परिवार को केंद्र व दिल्ली सरकार उचित मुआवजा दे, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे। यदि सरकार द्वारा जल्द ऐलान नहीं किया गया तो पूरे देश में एक गरीब महिला के साथ बेदर्दी और बेरहमी से की गई हत्या और गैंगरेप की आवाज को आंदोलन में तब्दील किया जाएगा। प्रोटेस्ट का आप लोग यहाँ पर कैसे आए? देखिए, दिल्ली में जो एक सिविल डिफेंस की कार्यकर्ती थी राबिया, उनका जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर हुआ, उनको 50 चाकू से ज़्यादा उनके शरीर पे चाकू की चोटें थी, रेप हुआ और मर्डर हुआ, उसके खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है। हमारे प्रदेश में भी जगह जगह इस तरीके की घटनाएं लगातार महिलाओं पर रेप और मर्डर की हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन था, जिसमें छात्र संगठन, ट्रेड यूनियन, महिला संगठनों के लोग थे। बहुत शांतपूर्ण तरीके से यहाँ पर किनारे पर खड़े होकर के अपनी मांग को, राबिया को न्याय दो, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और न्यायिक जाँच कराई जाए और इस तरीके की घटना का रिपीटेशन ना हो, फिर कोई राबिया ना कहीं पर घटित हो, इस मांग को लेकर के यहाँ प्रदर्शन था। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिस पहले से आकर के और इस तरीके का माहौल क्रिएट किया कि जैसे अब लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और लोगों को अब अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इस प्रशासन में से कोई तिवारी जी थे, जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन में खुद आगे आकर के लोगों को धक्का देकर के बवाल कराना चाहते थे, ये बहुत ही असंवेदनशील, बहुत ही अलोकार की खबरें सुन रहे हैं। और इन बलात्कार पे प्रशासन का क्या रवैया होता है? FIR लिखना वो जरूरी नहीं समझते, और अगर FIR कहीं लिख लेते हैं जोर जबरदस्ती करवाने के बाद, तो वो लीपा पोती के नाम पे घर के ही लोगों को उठा लेते हैं, यहाँ तक कि पीड़ित के परिवार का ही दमन करना शुरू कर देते हैं। ये प्रशासन का रवैया हो रहा है बलात्कार के खिलाफ। जिस देश में नारे लगते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में सबसे ज्यादा हिंसाएं होती हैं औरतों के खिलाफ, और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या आसिफा, क्या निर्भया, क्या हाथरस का केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो केस है हमारा राबिया का, इसमें उसको उसके कार्यस्थल से उठा करके ले जाया जाता है। क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा? उसके कार्यस्थल से उसको उठा करके किडनैप किया जा रहा है 27 तारीख को, और उसके बाद उसकी 50 जगह से कटी हुई लाश, जो कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के पूरे पूरे निशानों के साथ मिली, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।